दोस्तों, दुनिया में किसी भी रेस्टोरेंट की पहचान उसकी खास सर्विस और डिशेज से होती है, और यही वजह है कि खाने के शौकीन लोगों की भीड़ इन रेस्टोरेंट में हर वक्त लगी रहती है। मगर दुनिया में कुछ ऐसे भी रेस्टोरेंट है जो अपनी अजीबोगरीब थीम के कारण दुनिया भर में मशहूर है। यह रेस्टोरेंट किसी भी अजूबे से कम नहीं है। इन रेस्टोरेंट में खाने के साथ साथ कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाली अनेकों प्रकार की अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे ही रेस्टोरेंट दिखाने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, नेचर्स टॉयलेट कैफे। दोस्तों, यह रेस्टोरेंट भारत के अहमदाबाद में मौजूद है, जो कि दुनिया भर में फेमस है। वैसे देखा जाए तो किसी भी रेस्टोरेंट के साथ टॉयलेट सब जुड़ा हो तो काफी अजीब लगता है, लेकिन इस रेस्टोरेंट की यही खासियत इसको दुनिया भर में सबसे अलग बनाती है। जी हाँ दोस्तों, इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आए कस्टमर्स को कुर्सी या फिर सोफे पे नहीं बल्कि टॉयलेट सीट पर बैठाया जाता है। दोस्तों, यह रेस्टोरेंट बिल्कुल एक टॉयलेट म्यूजियम की तरह दिखाई देता है। इतना अजीब और अनोखा होने के बावजूद भी यह अहमदाबाद का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है, जिसे सन 1950 में जेएस पटेल द्वारा बनाया गया था, जिसको बेबी टॉयलेट रेस्टोरेंट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही दोस्तों, इस रेस्टोरेंट में कस्टमर का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए इस रेस्टोरेंट के पास एक टॉयलेट गार्डन भी बनाया गया है। इस गार्डन में 1950 से लेकर अब तक के अलग अलग तरीके के उपयोग में लाए गए टॉयलेट्स मौजूद है। वास्तव में यह रेस्टोरेंट उन लोगों के लिए बनाया गया है जो खाना खाते वक्त एक अलग तरह की फीलिंग लेना चाहते हैं। नंबर 2, न्यू लकी रेस्टोरेंट। दोस्तों, इंडिया के सबसे अनोखे और अजीब रेस्टोरेंट में से न्यू लकी रेस्टोरेंट सबसे अनोखा रेस्टोरेंट है, और हम आपको बता दें यह रेस्टोरेंट भी अहमदाबाद में ही मौजूद है। दोस्तों, इस रेस्टोरेंट की हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह रेस्टोरेंट एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। जरा एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको कोई कहे कि चलो कब्रिस्तान के ऊपर बैठ कर चाय पीते हैं, तो यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन न्यू लकी रेस्टोरेंट को एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाकर तैयार किया गया है, और आज भी इस रेस्टोरेंट में चाय के टेबल्स के पास भी कब्रें मौजूद है। और दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें, इस रेस्टोरेंट का निर्माण लगभग 50 साल पहले कृष्णन कुटी ने किया था। इस रेस्टोरेंट को लेकर कृष्णन कुटी का मानना है कि कब्रें उनके लिए गुडलक चार्म है, और इसी सोच के चलते उन्होंने अपना रेस्टोरेंट कब्रिस्तान के ऊपर बनाकर तैयार किया है, जो कि सच में काफी अजीब है। नंबर 3, कैदी किचन रेस्टोरेंट। दोस्तों, यह रेस्टोरेंट भारत के चेन्नई में मौजूद है, और अगर आपके मन में कभी यह सवाल आया हो कि यार जेल में खाना खाने का एक्सपीरियंस कैसा होता होगा, तो इस रेस्टोरेंट में आपके सवाल का जवाब आसानी से मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चेन्नई में स्थित कैदी किचन रेस्टोरेंट आपको जेल के अंदर खाना खाने का अनुभव बड़ी ही आसानी से करा सकता है, और आपको इस रेस्टोरेंट में जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेन्नई में स्थित इस रेस्टोरेंट में बिल्कुल एक जेल के जैसा डिजाइन किया गया है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी भी बिल्कुल एक जेल के अंदर इस्तेमाल होने वाले जैसे कपड़े ही पहनते हैं। यहाँ के मैनेजर और ऑर्डर लेने वाले जेलर की पोशाक में रहते हैं, और वेटर कैदियों के जैसी ड्रेस पहनकर खाना सर्व करते हैं। कैदी किचन रेस्टोरेंट में खाना बहुत ही टेस्टी मिलता है, और यहाँ का माहौल भी बिल्कुल प्राकृतिक लगता है। रियल जेल के जैसा दिखने वाला यह रेस्टोरेंट काफी खास है। नंबर 4, हाईजैक रेस्टोरेंट। दोस्तों, भारत के सबसे अनोखे रेस्टोरेंट में से हाईजैक एक चलता फिरता रेस्टोरेंट है, जिसे एक डबल डेकर बस में बनाकर तैयार किया गया है, जो कि भारत के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में अपनी सर्विस प्रदान करता है। दोस्तों, यह रेस्टोरेंट खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो लोग बाहर खाना खाने के साथ साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद करते हैं। इस डबल डेकर बस में बने रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि इसमें आपको लॉन्ग ड्राइव के साथ साथ टेस्टी भोजन का भी अनुभव दिया जाता है, और यह पूरा सफर तकरीबन 1 घंटे का होता है, जिसमें आप खाना खाने के साथ साथ बाहर घूमने का मजा भी बड़ी आसानी से ले सकते हैं। नंबर 5, टेस्ट ऑफ डार्कनेस। दोस्तों, हम आपको बता दें, यह रेस्टोरेंट खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको अंधेरे से काफी प्यार है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट के अंदर आपको ज्यादातर अंधेरा ही देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया के हैदराबाद में मौजूद है। दोस्तों, इस रेस्टोरेंट के अंदर आप स्वादिष्ट खाना खाने का मजा ले सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें, उसे आप देख नहीं सकते, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में दोस्तों रोशनी नाम का शब्द भी नहीं है, और इस रेस्टोरेंट में जाने वाले सभी कस्टमर्स को अंदर जाने से पहले अंधेरे में खाना खाने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। साथ ही रेस्टोरेंट के अंदर आपको थोड़ा बहुत अपने दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। यह रेस्टोरेंट बिजली बचाने के लिए लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गया है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद इंसान को अपनी आंखों की असली कीमत पता चल जाती है, जो कि वाकई कमाल है। नंबर 6, कायाबुकी टावर्न रेस्टोरेंट। दोस्तों, यह रेस्टोरेंट इंडिया में तो मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ, यह रेस्टोरेंट बहुत अजीब है, जिसमें आपको वेटर्स की जगह मंकीज दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, जापान में स्थित कायाबुकी नाम का यह रेस्टोरेंट काफी अमेजिंग है, जिसमें वेटर्स की जगह इंसानों का नहीं बल्कि बंदरों का इस्तेमाल किया जाता है, जो रेस्टोरेंट में आए कस्टमर को खाना सर्व करते हैं, और साथ ही कलाबाजियां दिखाकर उनका मनोरंजन भी करते हैं, जो कि दुनिया भर में फेमस है। और हम आपको बता दें, होटल के अंदर मौजूद यह बंदर किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि यह बंदर फुल्ली ट्रेंड होते हैं।
यहाँ के बंदर ही इस रेस्टोरेंट की पहचान है, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, आपको इन सभी रेस्टोरों में से सबसे अमेजिंग रेस्टोरेंट कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।